और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ना एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से ज़रूर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी बार मिला है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। होगा क्या, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में एक ऐसा प्लेन जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मतलब अगर मेरे पास में एक प्लेन है वन, दूसरा प्लेन है प्लेन नंबर टू, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ से एक प्लेन पास कर रहा है प्लेन नंबर थ्री, इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। जब हमें फर्स्ट की इक्वेशन गिवन होती है एंड सेकेंड की इक्वेशन हमें गिवन होती है, तो हमें इस थर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है। मतलब क्या है कि अगर आप इस कॉपी से समझिए, ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये हमारे पास में दूसरा प्लेन है, दोनों प्लेन क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तीसरा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, मतलब ये आपका फर्स्ट प्लेन है, ठीक है, ये आपका सेकंड प्लेन है एंड ये थर्ड प्लेन है जो आपके इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ये जो लाइन है इंटरसेक्शन की, इससे पास हो रहा है। हमें फर्स्ट की इक्वेशन गिवन है, हमें इस वाले सेकंड इक्वेशन गिवन है, हमें इस थर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो तीनों एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्लियर हुआ? आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली क्वेश्चन होती है कि अगर हमें फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन की क्वेश्चन पता है तो हमें थर्ड प्लेन की क्वेश्चन हो जाएगी हमारे पास में फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएगी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? बहुत सिंपल रहा। अब देखिए अगर हमारे पास में वेक्टर फॉर्म फर्स्ट वाले की गिवन है आर डॉट एन माइनस डी वन इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड वाले के हमारे पास में आर डॉट एन टू माइनस डी टू इक्वल्स टू जीरो। ये सबसे फर्स्ट है हमारे पास में जब हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ प्लेन कि अगर हमें प्लेन गिवन है ओरिजिन से पास होता हुआ, उसकी डिस्टेंस डी है ओरिजिन से एंड नॉर्मल वैक्टर उसका ओरिजिन से हमें गिवन होता है, तो हम उसकी इक्वेशन लिखते थे किस तरीके से, आर डॉट एन माइनस डी, आर डॉट एन माइनस डी। तो हमें ये दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। अब अगर हमें थर्ड वाले की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ? अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूँ तो हमारे पास में अगर इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन इक्वल्स टू जीरो, सेकंड की इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इक्वल्स टू जीरो, आप इसमें लाइए पुट करिए फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो, आगे आपकी इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दोनों ही प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी एंड एक ऐसी कंडीशन ज़रूर गिवन होगी जिससे आप लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आपको पहली क्वेश्चन गिवन होगी, दूसरी क्वेश्चन गिवन होगी एंड तीसरी ऐसी एक कंडीशन गिवन होगी जिससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी। क्लियर हुआ? एंड जो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो आपके बेसिकली चार ही क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक में बार 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 रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने ये चार क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस टॉपिक में से, मतलब इतना आप समझ सकते हैं ना, अब इतना वास्ट चैप्टर है आपका, आप सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन करिए, आर डी शर्मा के क्वेश्चन करिए, जेई मेन्स के क्वेश्चन करिए, बट अगर मैं बताऊँ तो ये जो चार क्वेश्चन हैं आपके ये हर बार रिपीट हो रहे हैं। अब बार बार आपको दिख रहा है कि चार क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो आपको एक बार फोकस उन पे भी करना चाहिए, तो वो चार क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में ज़रूर कराऊंगी और वो चार क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड ऑल्सो थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा वन कॉमा थ्री से। मतलब क्या है इस टाइप का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में प्लेन गिवन है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ एक प्लेन होगा हमारे पास में एंड हमें गिवन होगा कि वो जो पर्टिकुलर प्लेन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे इस कंडीशन में हमें एक प्लेन की इक्वेशन ये है, एक प्लेन की इक्वेशन ये है एंड जो हमारे पास में थर्ड प्लेन आएगा वो पास करेगा माइनस टू कॉमा वन कॉमा थ्री से भी। क्लियर हुआ? ये हमारा टाइप का क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा फिक्स ही क्वेश्चन हो गया कि मतलब यही पॉइंट आएंगे, यही प्लेन आएंगे, अब मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपसे यही चीज़ आएगी, आपसे कोई प्लेन आपका ये जो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन है आपसे वेक्टर फॉर्म में गिवन हो सकता है, आपको ये पॉइंट कुछ और गिवन हो सकता है। ओके, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर मत बैठ जाना कि ये चार क्वेश्चन तो ये आएंगे, मतलब चार टाइप हैं आपके, यही टाइप आएंगे बट लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, सिंपली मैं इतना कहना चाह रही हूँ। ओके, अब इसका आंसर देखते हैं हम लोगों को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन की समरी यहाँ पर है, हमारे पास में फर्स्ट प्लेन है 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो, सेकंड प्लेन है 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल्स टू जीरो एंड पॉइंट है माइनस 2 कॉमा 1 कॉमा 3। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। तो थर्ड प्लेन की हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्लेन, फर्स्ट प्लेन आपके पास में 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3, ये फर्स्ट प्लेन हो गया। प्लस आप बोलोगे लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन, तो लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन की इक्वेशन क्या है यहाँ से, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11, ये आपकी हो गई सेकेंड प्लेन की इक्वेशन इक्वल्स टू हम लोग कर देंगे जीरो के, ठीक है। ये आपके पास में आ गया फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें एक ना एक पर्टिकुलर ऐसा कंडीशन गिवन होगी जहाँ से पॉइंट पास करेगा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 5 लैम्डा। और अगर मैं यहाँ से z को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास में हो जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा, और साथ में आपके पास में माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 11 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ, ये हमारे पास में यहाँ तक आ चुका है, प्लस का साइन आएगा इनके बीच में, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज़ गिवन होगी कि ये सारी चीज़ इक्वल है जीरो के। अब हमारे पास में जो ये प्लेन आया है, हमें गिवन है ये जो प्लेन है ये पास होता है कौन से पॉइंट से, ये पास होता है माइनस 2, 1, 3 से। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई एंड जेड की जगह पुट कर देंगे माइनस 2, 1, 3। जैसे आप पुट करेंगे माइनस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा, प्लस आप करेंगे वाई की जगह 1 पुट, ये हो जाएगा माइनस 7 माइनस 5 लैम्डा, प्लस आप जेड की जगह पुट करेंगे 3, और 3 जैसे आप पुट करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा, प्लस आप लिखेंगे माइनस 3 प्लस 11 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा लैम्डा का, लैम्डा की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/6। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को। अब एक बार लैम्डा हमारे पास में 1/6 आ चुका है, अब इस लैम्डा को लेकर के हम लोग पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। जैसे आप यहाँ से पुट करेंगे लैम्डा को 1/6 को यहाँ पर, और आपके पास में सिंपली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ है यहाँ तक आप सभी को। जब आप लैम्डा को पुट करेंगे यहाँ पर, तो आप इसमें पुट करें या तो आप इस वाली में पुट कर सकते हैं लैम्डा को। जब आप नीचे वाले में हम लोग पुट कर लेते हैं एक बार लैम्डा को 1/6, तो जब आप लैम्डा को पुट करेंगे ये हो जाएगा आपके पास में x 2 प्लस 3 1/6, 2 प्लस 3 लैम्डा था आपके पास में x के साथ में 2 प्लस 3 लैम्डा, प्लस y माइनस 7 माइनस 5 लैम्डा, माइनस 7 माइनस 5 और लैम्डा आपके पास में है 1/6, प्लस आप लोग करेंगे z एंड z के साथ में आपके पास में 4 प्लस 4 लैम्डा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 प्लस 4 1/6। और यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे माइनस 3 माइनस 11 टाइम्स लैम्डा, आपके पास में लैम्डा है 1/6 इक्वल्स टू जीरो। जब आप इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 को एलसीएम लेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपके पास में एट लास्ट इक्वेशन आ जाएगी 15x माइनस 47y प्लस 28z माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ। मैं एक बार आपको इसके स्टेप बता देती हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने सबसे पहले अपने फर्स्ट प्लेन एंड सेकेंड प्लेन की हेल्प से फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो से इक्वेशन लिखी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक्स को कॉमन लेकर के एक इक्वेशन बनाई थी। एक्स को बाहर निकाला तो ये हो गया 2 प्लस 3 लैम्डा, वाई को बाहर निकाला माइनस 7 माइनस 5 लैम्डा, जेड को बाहर निकाला 4 प्लस 4 लैम्डा, एंड देन आपने प्लस माइनस 3 प्लस 11 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो किया। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है प्लेन की, ये पास होता है माइनस 2, 1, 3 से, तो इस चीज़ का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पर 2, 1 एंड माइनस 3 पुट कर दिया एक्स वाई एंड जेड की जगह। एक बार आप लोगों ने इसको पुट किया, यहाँ से आपके पास में लैम्डा की एक वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को ले जाकर के हमने प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, और जब आपने प्लेन की इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास में इक्वेशन आ जाती है 15x माइनस 47y प्लस 28z माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपसे बोला है कि हमारे पास में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। आपको ये दो प्लेन गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो प्लेन आपको गिवन है और बोला है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब इसका मतलब क्या है आपके पास में, कि जो प्लेन हम थर्ड निकालेंगे दोनों के इंटरसेक्शन से, वो क्या है, इस पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब एक प्लेन और दूसरा प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले प्लेन का नॉर्मल है एंड जो सेकंड प्लेन का नॉर्मल है, वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं। मतलब जब आप थर्ड प्लेन की इक्वेशन इन दोनों से निकालेंगे, वहाँ से आप उसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होता है हमारे पास में इक्वेशन, ax प्लस by
प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर हमारे पास में जो ए बी सी हैं वो हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो सेकेंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है 5, 3 एंड 6। अब फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आप निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से, सेकंड प्लेन के आपको गिवन है, दोनों का डॉट करेंगे जीरो के इक्वल क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं एंड आपके पास में लैम्डा आ जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को इसको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके इसमें फर्स्ट प्लेन है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन है आपके इसमें 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हम इन दोनों को लेकर के अगर थर्ड प्लेन लिखेंगे तो हमारे पास में थर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस आपका लैम्डा टाइम्स 2x प्लस y माइनस z प्लस 5, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी थर्ड प्लेन की। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड प्लेन को कोशिश करेंगे कि हम लोग कंपेयर कर पाए इस इक्वेशन से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, जिससे हम लोग यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज निकाल पाएं। तो अगर मैं इसके लिए x को एक साथ लिख लेती हूँ, ये x हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस आप लोग y कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, प्लस आप लोग आगे चल के z को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा माइनस, एक मिनट, z को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 3, सिंपल 3 नॉट माइनस, ठीक है, 3 माइनस लैम्डा आपके पास में, फिर आगे आप लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहाँ से देखो, ये है आपके पास में माइनस डी सी जेड बी वाई एंड आगे आपके पास में है ए एक्स, यहाँ से ए बी एंड सी हम लोग निकालेंगे। तो पहला ए आपके पास में हो जाएगा, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए आपके पास में हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, अगर मैं बी की बात करूँ तो बी हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा एंड अगर मैं सी की बात करूँ तो सी हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो थर्ड प्लेन गिवन है जिससे वो परपेंडिकुलर है, वो थर्ड प्लेन है आपके पास में 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास में थर्ड प्लेन है जिससे ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इस वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या हैं एंड सेकेंड प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है आपके पास में 5, 3, 6, ठीक है, 5, 3 एंड 6 है आपके पास में सेकेंड वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। अब क्योंकि दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक ये वाला प्लेन एक आपका ये वाला प्लेन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इससे जो नॉर्मल निकल रहा है और जो इससे नॉर्मल निकल रहा है वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। अगर मैं मान लेती हूँ एक नॉर्मल आपका ये वाला निकल रहा है इस वाले प्लेन से, एक नॉर्मल इस वाले प्लेन से ये जा रहा है, ये दोनों भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, तो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे उन दोनों का डॉट आपका जीरो आएगा। उस चीज़ की हेल्प से हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे। अब आपके पास में अगर मैं इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग का डॉट करती हूँ तो आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी, सबसे पहले हम लोग वो देख रहे हैं। तो इक्वेशन आपके पास में आ जाएगा 5, 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर आपके पास में आ जाएगा प्लस 3, 2 प्लस लैम्डा, प्लस आपके पास में आ जाएगा 6, 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 29 इक्वल्स टू जीरो, और लैम्डा आपके पास में यहाँ से आ जाएगा माइनस 29 अपॉन 7। उठाइए इस लैम्डा को और पुट कर दीजिए अपनी इस वाली इक्वेशन में, जो आपके पास में प्लेन की इक्वेशन आई है इसमें हम लोग इस लैम्डा को पुट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर लैम्डा को पुट करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी अपने प्लेन की, थर्ड प्लेन की, जो कि हमारे पास में आ जाएगी 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हुआ? सिंपल है, आपको क्या दो प्लेन दे रहा है और एक कंडीशन दे रहा है, लैम्डा आप लोग निकाल रहे हैं और पुट कर रहे हैं सिंपली। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। थर्ड टाइप के आपसे क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कभी कभार आपसे क्वेश्चन में बोलेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस और आपसे बोल देगा पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर मैं एक्स एक्सिस के केस की बात करूं तो आप बनाएंगे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, एक्स माइनस 3y प्लस 2z माइनस 5 प्लस आपका हो जाएगा लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन 2x माइनस 5 माइनस y प्लस 3z माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल्स टू जीरो। अब ऐसे में अगर आपसे बोला है पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो आपका x के साथ में आएगा अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस अगर हम y के साथ में लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस लैम्डा, प्लस अगर हम z के साथ में लिखेंगे हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा,
एंड साथ में आपका आगे वाला चलता ही रहेगा -5 -1=0। तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन है तो एक्स का जो कोफिशियंट है उसको आप जीरो के इक्वेट करेंगे। यहाँ पर आप एक्स के कोफिशियंट 1+2 लैम्डा को इक्वेट करेंगे जीरो के, लैम्डा आपके पास में आ जाएगा -1/2। पुट कर देंगे आप इस वाले इक्वेशन में और आपके पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अगर आपसे बोलता है पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पर, तो आप y के कोफिशियंट को जीरो के इक्वल करते। अगर आपसे बोलता पैरेलल टू z एक्सिस तो आप z के कोफिशियंट को इक्वेट करते जीरो के। मतलब जो भी आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन में पैरेलल का गिवन होगा उसके कोफिशियंट को आपको इक्वेट करना है जीरो के और आपके पास में प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड, थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बार फोर्थ टाइप पूछा जाता है। इवन मेरे जो प्री बोर्ड थे उसमें भी ये फोर्थ क्वेश्चन था, तो ये तो मुझे और भी अच्छे से याद है। मतलब तो देखते हैं आगे, मतलब इस सारे क्वेश्चन को देखते ही मुझे याद आ जाता है अपना प्री बोर्ड मैथ्स का। तो अब यहाँ पर आपसे बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, बहुत देर से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ही करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म भी देखने को मिल गई है। तो वेक्टर फॉर्म इस तरीके से आपको दो प्लेन की गिवन है और बोला है कि ये ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है। एंड ये वाला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम इसी को पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को यही क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे, थोड़ा टाइम इस पर ज़्यादा स्पेयर करेंगे। ओके, क्वेश्चन में आपके पास में फर्स्ट प्लेन जो गिवन है वो है आपके पास में आर वेक्टर आई कैप +3 j कैप -6 = 0। सेकेंड आपके पास में जो इक्वेशन है वो है आर वेक्टर 3 i कैप -j कैप -4 k कैप = 0। ठीक है, ये आपको इसमें दो प्लेन गिवन है और बोला है कि जो थर्ड प्लेन है वो यूनिट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। अगर मैं इन दोनों का यूज करके थर्ड प्लेन की इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास में थर्ड प्लेन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी कि या तो आप वेक्टर फॉर्म का यूज करते चलें या फिर आप एक और चीज कर सकते हैं कि इनको आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लें। अगर मैं फर्स्ट वाले को कार्टेशियन में चेंज करूंगी तो मेरे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा x कैप +3 y, ये हो जाएगा आपका इसमें -6 = 0। x + 3 y - 6 = 0, क्योंकि हम क्या करेंगे r वेक्टर की जगह पुट करेंगे xi कैप + yj कैप + zk कैप और फिर इनका डॉट कर देंगे i + 3j के साथ में। तो यहाँ पर डॉट होगा x + 3 y = 6। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहे हैं। सेकंड वाले के लिए अगर मैं xi कैप + yj कैप + zk कैप लिखूं तो ये हम जब इसका डॉट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा x के साथ में 3x - y - 4z = 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में, एक तो ये वाली इक्वेशन आपकी हो गई है, सेकंड आपकी इक्वेशन हो गई है ये। अब इन दोनों इक्वेशन की यूज करके हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड प्लेन की इक्वेशन जब हम इन दोनों का यूज करके लिखेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगी x + 3y - 6 फर्स्ट प्लेन प्लस आप लिखेंगे लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन आपके पास में 3x - y - 4z = आपका हो जाएगा 0। क्लियर हुआ? अब अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि आपसे बोला हुआ है कि पर जो प्लेन है आपका वो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है, मतलब 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। जब हमने ओरिजिन से डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग लिखते हैं r·(n·d) = 0। तो अब हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं r·(n·) करूँ, n के लिए हम क्या करेंगे x, y और z को अलग अलग लिखते हैं। अगर मैं x को बाहर निकालूँ ये हो जाएगा 1+3 λ, अगर मैं y को बाहर निकालूँ ये हो जाएगा 3 - λ, अगर मैं यहाँ पर z को बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पर तो आपका 0 ही है, यहाँ पर हो जाएगा -4 λ। और बाहर अगर हम लोग करेंगे माइनस का साइन कॉमन लेकर के, ये आपके पास में आ जाएगा -6 = 0। तो बेसिकली इक्वेशन आपके पास में आ चुकी है x 1+3 λ, ये y 3 - λ + z - 4 λ - 6 = 0। अब आपको यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि हमें एक और चीज़ मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को कि कभी कभार जब सबसे पहला ही मैंने कराया था टॉपिक और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको n कैप चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए r·(n·d) = 0, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि जो डॉट है n वेक्टर है या फिर n कैप है। और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में, कार्टेशियन इक्वेशन होती है ax + by + cz - d = 0। और यहाँ पर अगर हमें पहले चेक करने के लिए हम a, b एंड c के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं, तो इसको चेक करेंगे हम लोग, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ ax + by + cz - d से अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, तो a, b एंड c हमारे पास में क्या जाएंगे 1+3 λ, 3 - λ, -4 λ। ठीक है, ये हमारे पास में आ रहे हैं n वेक्टर, बट हमें क्या चाहिए, n कैप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे n के मैग्नीट्यूड से।
ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एन के मैग्नीट्यूड से, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा एक्स 1 + 3λ प्लस वाई 3 - λ, यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा प्लस जेड 4λ -6, ठीक है, अपॉन हम करें पूरी में डिवाइड, अपॉन करेंगे रूट ऑफ 1 + 3λ का होल स्क्वायर प्लस 3 - λ का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में हो जाएगा -4λ का होल स्क्वायर। ये हम पूरी में इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, माइनस आप 6 के साथ में भी इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पर कि अगर ये हमारे पास में एन कैप होगा तो ये पर्टिकुलर चीज़ तो हमारे पास में 1 हो ही जानी है, अगर ये एन कैप नहीं होगा तो हमारे पास में आंसर सही से आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आई थिंक यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन हो रही होगी, हमने पढ़ी थी इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल्स टू 0, बट हमें पता है कि कभी कभार क्वेश्चन में हमें गिवन होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल्स टू 0, तो हम क्या करेंगे इस चीज़ से बचने के लिए, अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें बोला है ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड कर देंगे माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, जिससे इक्वेशन बैलेंस रहा इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास में एन कैप बन रहा है, तो इसको बार बार चेक ना करने से लिए हमें अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो ओरिजिन से डिस्टेंस हमारे पास में क्या होती है डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन से डिवाइड करके। तो अब यहाँ पर हम अगर इस वाले इक्वेशन से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी माइनस 6 अपॉन पूरे के पूरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके 1 + 3λ का होल स्क्वायर, आपके पास में आ जाएगा 3 - λ का होल स्क्वायर प्लस आपके पास में आ जाएगा -4λ का होल स्क्वायर, और ये हमें बोला है यूनिट डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल्स टू 1 है, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे इस चीज़ का यूज़ करके आगे अपने लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, -6 इक्वल्स टू हमारे पास में जाएगा रूट ऑफ 1 + 3λ² प्लस 3 - λ² प्लस -4λ का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल्स टू 1 + 3λ होल स्क्वायर प्लस 3 - λ होल स्क्वायर -4λ होल स्क्वायर। सॉल्व करिए स्क्वायर को ओपन करके, आपके पास में लैम्डा आ जाएगा +-1, मतलब इक्वेशन आपके पास में कुछ इस तरीके से आएगी कि 26λ² इज इक्वल्स टू 26, तो λ² इज इक्वल्स टू 1, λ इज इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ से आप एक बार लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे इक्वेशन में, वहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन आएगी, एक बार लैम्डा -1 रखेंगे आपके पास में सेकेंड इक्वेशन आएगी। आई होप आप लोग इस वाले क्वेश्चन को अब इजिली कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने समझे चारों के चार क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट रिगार्डिंग एनी लेक्चर रिगार्डिंग एनी लिंक, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में, जिससे उनका भी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड आप लोगों को वीडियो के नीचे चैनल के नेम के आगे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आप लोग हमारी फैमिली का मेंबर बन जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल ज़रूर प्रेस कर देना है, जिससे आप लोगों को सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। जो भी मैं यहाँ से लेक्चर अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।